आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है, चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है, कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है, और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है, ये देश के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है, वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है, और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है। और आखिर ये सब क्यों? ऐसे ही तो नहीं है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है? इसके पीछे कारण है, इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में, और भारत में बन रही नई संभावनाओं में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हो रही है, उसी को मैं अगर शब्दबद्ध करूं और कुछ बातें उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं, अब आप देखिए, भारत में एक दो तीन दशक अस्थिरता के रहे, आज स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसीजिव गवर्नमेंट है।
और उसका